ओम 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 श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आइए आज प्रारंभ में ही स्तुति पाठ कर लेते हैं। भाव वही अर्जुन वाला। अर्जुन ने भगवान का विराट रूप दर्शन किया, प्रश्न किया, आख्या ही मे को भवानुग्र रूपो, ये आपका रूप कैसा है भगवान? अब इसे आप तिरोहित करें और अपना शांत स्वरूप दिखलाएं। उसी निमित्त से अर्जुन के द्वारा की गई स्तुति आज के इस वातावरण में आइए हम भी सब मिलकर करें, करते रहें। प्रारंभ में संस्कृत में स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः कस्माच्च तेना नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत्पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित्विक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रण्येन वापि यच्चावहासार्थमसत्क्रतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथाप्यच्युत्तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभिधिकक्तुत्वन्यो लोकत्रयप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं स्तोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूप प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद देवेश जगन्निवास।
अर्थ समझते हुए और अंदर के भाव को साथ जोड़ते हुए हिंदी में भी जो अनुवाद है प्रभु कृपा से उसको भी एक बार, जिन्हें कंठस्थ है या जिनके पास पाठ पुस्तिका या गीता जी है, वो 11वें अध्याय के 36 से 45 तक के ये मंत्र, ये श्लोक दिव्य अनुभूति करवाने वाले और पाठ का अद्भुत प्रभाव बनाने वाले, लगातार कुछ भाव साथ जुड़ रहे हैं। गांधीधाम से रेणु गुप्ता, उन्होंने संदेश भेजा है कि कोरोना वायरस में जबकि मन कई बार भय आतुर होता है, कई बार चिंतित होता है, ऐसे में गीता जी का यह स्तुति पाठ हमारा एक मजबूत संबल बना हुआ है, एक आधार बना हुआ है, और प्रभु से बार बार स्तुति करके हम अपने मन को राहत दे लेते हैं और परिवार के वातावरण में भी एक नई चेतना इससे आ जाती है। बहुत अच्छी बात है, पाठ करते रहें, अकेले करें, परिवार के साथ मिलकर के करें, एक बार करें, अनेक बार करें, बार बार करें, इस पाठ का स्वाभाविक आनंद अनुभव होगा और ऐसा लगेगा, लगना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान सामने हैं और हम अपने भाव पुष्प उनको समर्पित कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन, अपनी नमनांजलि प्रभु से के चरणों में समर्पित कर रहे हैं इस पाठ के द्वारा। आइए सब एक बार साथ साथ हो लें। प्रभु आपका कीर्तन करके ही है हर्षित जगत पाए अनुराग भी, असुर भागते डर के दिशाओं में, उचित है करें नमन सिद्ध सब तुम्हें। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करें आपको। सत्या असत्या परे इससे भी, हो सब कुछ प्रभु आप, बस आप ही। आदि देव भगवन सनातन भी हो, परम धाम सबको सहारा भी दो। हो सर्वज्ञ तुम जानने योग्य भी, समाया तुमी में जगत यह सभी। यम वायु अग्नि वरुण चांद तुम, पिता ब्रह्मा के और हो ब्रह्मा भी तुम। नमस्कार तुमको हजारों ही बार, नमस्कार भगवन है फिर नमस्कार। नमस्कार आगे व पीछे से भी, सब ओर से है नमस्कार ही। तुम्ही में है सृष्टि यह सारी प्रभो, सब कुछ सृष्टि के तुम ही तो हो। माना प्रभु तुमको अपना सखा, न प्रभाव जाना कभी आपका। प्रेम और परमाद में भर के ही, कहा कुछ भी मैंने हो तुमसे कभी। सोते जागते खाते हंसते हुए, अकेले किसी के भी या सामने। अपमान मुझसे है कुछ भी हुआ, भगवन क्षमा उसकी हूँ चाहता। चराचर जगत के पिता हो तुमी, चराचर जगत के पिता हो तुमी।
गुरु गुरुओं के भी हो, तुम ही न सम आप के कोई, त्रैलोकी में बढ़कर कोई कैसे हो। आपसे चरणों में गिर करता प्रणाम हूँ, कृपा करो मुझ पे विनती करो। पिता पुत्र सखा मित्र पति पत्नी को करे माफ, वैसे ही मुझको करो। हर्षित हूँ मन भय से है कांपता, कभी देखा ना रूप यह आपका, मुझे रूप पहला ही दिखलाइए। हे देवेश प्रसन्न हो जाइए, हे देवेश प्रसन्न हो जाइए। चर्चा चल रही थी स्तुति के प्रथम श्लोक पर ही। स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यत्यनुरज्यते च, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। आपका कीर्तन करके जगत हर्षित हो रहा है। नाम कीर्तन का लाभ, उसके कई पहलू यहाँ चर्चा में लिए गए, और हमें विश्वास है कि आप सब ने कुछ कुछ समय नाम जाप में और विशेष रूप से नाम कीर्तन में निकालना प्रारंभ किया ही होगा। नहीं किया तो अवश्य करें, बहुत बड़ा लाभ है इसका। जिज्ञासा है, एक अमृत वेले सुमरण या कीर्तन से ज़्यादा लाभ होता है क्या? उस घड़ी में प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, स्वाभाविक है। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, भोर, उसमें वातावरण शांत होता है, चित्तवृत्तियाँ शांत होती हैं, और समूचे वातावरण में, क्योंकि उस समय कहीं न कहीं ऋषि संत भक्त चारों ओर उस भाव में होते हैं, और उस भाव का प्रभाव वातावरण में होता है। और जब हम ऐसे समय में कुछ सिमरन करेंगे, पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उसका स्वाभाविक अधिक लाभ होगा ही होगा। और जब शांत मन शांत वातावरण में होगा तो प्रभु की समीपता, निकटता, प्रसन्नता और शीघ्र और अच्छी अनुभव की जा सकेगी। भक्ति में आगे कैसे बढ़े? सुरेंद्र मल्होत्रा। देखो, पहली बात तो ये देखें कि भक्ति प्रेम का नाम है। सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद जी ने कहा। भक्ति अंदर के प्रेम का नाम है। अंदर का प्रेम बढ़े, प्रेम उमड़े, ये स्तुति पाठ उसमें बहुत सहायक हो सकता है। जब बार बार प्रभु से प्रार्थना की जाती है, और साथ साथ व्यवहार काल में एक बात का ध्यान रखें कि व्यवहार काल में अहम और आवेश से बचें, व्यर्थ की आसक्तियों से बचें। कर नहीं रहा, प्रभु की कृपा से हो रहा है। जो पास है सब प्रभु का है। व्यवहार काल में जब प्रभु का भाव साथ जुड़ेगा तो स्वाभाविक प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा, और उसके साथ साथ भक्ति पथ पे और आगे दृढ़ता से बढ़ा जा सकेगा। तुलसीराम साहू लिखते हैं, क्या गुरु बदला जा सकता है? यद्यपि इस समय के प्रसंग की बात नहीं है, लेकिन यथासंभव नहीं, जो मंत्र है उसको करते रहें। गुरु की ऊर्जा मंत्र के रूप में साथ होती है, उसका स्मरण करते रहें। हाँ, बिल्कुल, यदि मंत्र भी ध्यान में नहीं है और कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी स्थिति है
कि मन का विश्वास कहीं बिल्कुल ही अस्थिर है, मंत्र का ध्यान नहीं है, तो उसका कुछ उचित भाव, उचित स्थिति विचारी जा सकती है। अधिकांशतः यही स्थिति रखें कि मंत्र का स्मरण और अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपना भाव। बात चल रही थी कि नाम कीर्तन अगर नहीं करने का भी अभ्यास बना तो प्रारंभ कर दें। समय इस समय खुला है आपके पास, वैसे भी समय समस्या नहीं होता, समस्या तो मन होता है। जिस कार्य के लिए मन बन जाता है, ये बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिस कार्य के लिए मन बन जाएगा, समय अपने आप निकलने लगेगा। मन नहीं बनेगा तो समय होते हुए भी वो कार्य नहीं होगा। तो इसलिए मन बनाएं, रुचि जगाएं। महत्व तो यह श्लोक गीता जी का बता ही रहा है कि नाम कीर्तन से पूरा जगत हर्षित है, और इस समय क्योंकि जगत व्यथित है, इस समय जगत चिंतित है, इस समय जगत में क्योंकि कोरोना वायरस जो है पूरी तरह एक आशंका के रूप में और एक अलग से आतंक के रूप में मंडराता दिख रहा है, और ऐसे में नाम कीर्तन का जगत प्रहस्यति जो गीता ने में शब्द अर्जुन के द्वारा लगाया गया, पूरे जगत में हमारे द्वारा एक अच्छा सहयोग हो सकता है। वातावरण में सात्विक शब्द प्रभु के नाम का, वातावरण में शुद्ध भाव और नाम कीर्तन, गीता जी का यह स्तुति पाठ। और इसमें जो आगे का वाक्य कल संकेत किया था, रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघः, सब असुर राक्षस इस स्वरूप को देखकर डर रहे हैं। देखो, भगवान का जब कोई ऐसा रूप आता है तो स्वाभाविक है आसुरी शक्तियाँ डरेंगे। और इसीलिए समाधान इस समय का सीधा सीधा है कि अंदर मन में प्रभु को बसाएं, प्रभु के नाम को बसाएं, ध्यान लगाएं, अंदर की आसुरी वृत्तियाँ और आसुरी वृत्तियों के साथ भय, चिंता, शोक ये समाप्त होंगे। और ऐसे ही बाहर जो कोरोना के रूप में इस समय आसुरी शक्ति व्याप्त हो रही है, उसका प्रभाव भी कम होगा। एक नन्हे बच्चे देवांश चावला ने एक जिज्ञासा की है कि क्या अधिक पाठ करने से, अधिक नाम संकीर्तन करने से, यज्ञ करने से क्या कोरोना समाप्त हो जाएगा? अच्छी बात ये है कि ये बच्चा स्वयं भी काफ़ी समय से लगातार हवन कर रहा है, और अनेक बच्चे ऐसे कर रहे हैं अनेक स्थानों पर, और अच्छा है बच्चों के द्वारा मन में ये जिज्ञासा। देखो, प्रभाव कम जो होगा वो सात्विक वातावरण से होगा। ऐसे ऐसे वायरस कहीं ना कहीं जब वातावरण बिगड़ते हैं, मनुष्य प्रकृति का हनन करता है, शोषण करता है, जब कहीं ना कहीं जीव हत्या बढ़ती है, और हम जानते हैं कि जहाँ से और जिस स्थिति में ये प्रकट हुआ है वहाँ ऐसी एक मांसाहार की प्रवृत्ति, और वो भी किस रूप में, सब जानते ही हैं। तो एक सात्विक भाव इससे उमड़ेगा, और कल संकेत किया था कि ये वो अवसर है कि जब सब मांसाहार की आदत और नशों की आदत से बचें। ये बार बार संकेत किया जाते रहेगा कि मांसाहार, नशे की आदत दूर हो, समाप्त हो। लेकिन जो बात देवांश का प्रश्न था वो ये कि क्या समाप्त हो जाएगा, भगवान कृपा करें समाप्त हो। लेकिन समाधान का मार्ग यही है कि हम अधिक से अधिक पाठ, नाम कीर्तन, हवन यज्ञ अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे करते रहें, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कोरोना का ये भय दूर होगा, समाप्त होगा। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघाः, सभी सिद्धों के समूह, साधकों के समूह, अर्थात जो जो भी जिस जिस रूप में कहीं अपनी साधना में लगे हैं,
ऋषि, संत, भक्त, सज्जन, वो सब प्रभु के इस रूप को देख करके बार बार नमन कर रहे हैं, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। और सच में ये जो स्वरूप बना है, इस समय भी प्रभु के आगे अपने अहम को विसर्जित करें। नमन का अभिप्राय अपने अहम को विसर्जित करना। और इस पाठ में आप बार बार एक शब्द पाएंगे, आगे के श्लोकों में आएगा, नमः पुरस्तात् पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। नमः नमन करना, नम होना, नम अर्थात नमन अर्थात अपने अहम को विसर्जित करके प्रभु के साथ अपने भावों को जोड़ देना। कस्माच् चेतेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सत असत तत् परम यत्। ये दूसरा मंत्र है इस स्तुति पाठ का। हे प्रभो, ब्रह्मा के भी आप आदि करता हो और सबसे बड़े आपके लिए ये सब लोग, सब ऋषि, सब सिद्ध, सब भक्त नमस्कार क्यों ना करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, सत असत और उससे परे जो कुछ भी है वो सब कुछ आप हो, केवल आप हो। ब्रह्मा के आदि बड़े सबसे हो, नमस्कार क्यों ना करे आपको। सृष्टि की रचना का भी भाग ब्रह्मा जी के पास है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वो तो वहीं, क्योंकि सृष्टि के रचना से पूर्व केवल एक ईश्वरीय सत्ता थी, केवल परमात्मा। एको हम बहुश्याम के आधार पर मानस संकल्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के द्वारा आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए आप ब्रह्मा के भी आदि करता हो, इस श्लोक के द्वारा मूल अनादि परंपरा का स्मरण किया गया। और साथ ही साथ प्रभु को सत असत और उससे भी परे कहा गया है। बड़ा रहस्यात्मक भाव है इसी श्लोक में जो बात कही गई कि हे नाथ, हे प्रभो, हे देवेश, हे जगत में निवास करने वाले, जगन निवास शब्द लगाया, कण कण में वास करने वाले प्रभो, सब आपको नमस्कार क्यों ना करें, अर्थात करना चाहिए। और ये बात सबके लिए है कि भगवान को प्रणाम करें, भगवान के आगे झुकें, अपनी त्रुटियों की क्षमा याचना उनसे करते रहें। ये मत सोचें कि हम तो बिल्कुल पूर्ण, हमारे में कहाँ त्रुटि हो सकती है। मनुष्य जीवन है, दावा कहीं नहीं हो सकता, दावा नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। प्रभु से प्रणाम करें, अपना अहम, अपनी कहीं भी कुछ भी अंदर है उसको विसर्जित करते रहें। एक दो जिज्ञासाएं और भी हैं। गुरुदेव, मन विक्षिप्त रहता है, रात को बार बार नींद खुलती रहती है। शारदा सिंघल, दिल्ली से। देखो, इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मन को संभाल के रखें, मन को मजबूत रखें, मन गिरने ना पाए। मन गिरेगा शरीर को भी गिराएगा, मन गिरेगा आगे सब कुछ हिलता डुलता डगमगाता दिखाई देगा। और मन की मजबूती के लिए ही तो ये पाठ है, बार बार पाठ करें। और रात्रि सोने से पूर्व, बार बार आँख खुलती है, सोने से पूर्व अवश्य इस पाठ को 3 बार करें, और 3 बार करके भगवान को प्रणाम करें, अपने आप को अंदर से उड़ेल दें और उनके चरणों में दिन भर का जो भी है, जो बाहर हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, जो अंदर हो रहा है, मन में है, जो स्थिति है, सब कुछ प्रभु के अर्पित, सब कुछ प्रभु के अर्पण करें। और
खाली मन से विश्राम की ओर जाएं। बांके बिहारी जी के मंदिर में एक बार कोई फक्कड़ बाबा नियमित आते, शयन आरती के समय आते और आ करके अपने ऊपर ओढ़ी हुई चद्दर उनके आगे छाड़ते दो तीन बार, फिर ओढ़ते और मुस्कुरा कर वापिस आ जाते। किसी ने पूछा, बाबा क्या करते हो ये? कहा, मैं दिन भर जो भी हुआ, हो रहा है, होगा, जो मन में है, कहीं किसी प्रकार से अच्छा बुरा जो कुछ भी बाहर है वो सब चद्दर रोज़ की रोज़ झाड़ जाता हूँ और भगवान के भरोसे निश्चिंत हो के सो जाता हूँ कि अगले दिन फिर प्रभु आप आँख खोलेंगे, फिर आपकी प्रेरणा, आपकी शक्ति, आपके कृपा से आगे के व्यवहार होंगे, लेकिन आज जो भी है सब आपके अर्पण। मन को खाली करके, प्रभु के आगे उड़ेल करके विश्राम में जाएं, पाठ करके विश्राम में जाएं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो भी मरीज़ हॉस्पिटल में हैं उन तक ये पाठ पहुंचाया जाए? अलका शर्मा, अच्छी बात है, भले ही लॉकडाउन तो है ही है, लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रयास करते हैं और वहाँ तक पहुँचने का साधन या किसी डॉक्टर तक अपनी बात या जो सुन भी रहे हैं, तो अच्छा है अगर आप इस ढंग का प्रयास करते हैं या इस समय संभव है या कोई पाठ करके अपने मनोबल को बढ़ाता है। इस समय जहाँ अनेक प्रकार से सेवाओं की भी आवश्यकता है, अनेक स्थानों में जो लोग जिनके पास भोजन नहीं है उनके लिए हम कहीं ना कहीं साथ दे सकते हैं, वह भी एक अच्छा प्रयास है। कहीं कुछ और आवश्यकता है, हम जितना संभव हो नियमों का पालन करते हुए कर सकते हैं। अलग अलग नगरों में श्री कृष्ण कृपा सेवा समितियों ने भी, जीवगीता परिवार ने भी अलग अलग नगरों में इस सेवा का दायित्व जितना जितना संभव हो पा रहा है अनेक नगरों में प्रारंभ किया है। और भी नगर जो श्री कृष्ण कृपा भाव से जुड़े हैं वो उस रूप में भी सेवा में आगे बढ़ें, ये अवसर है। लेकिन साथ ही साथ अगर ऐसा भाव बनता है कि कहीं किसी को पाठ करके प्रेरणा देकर किसी का मनोबल बढ़ाया जा सकता है, किसी के हाथ में गीता देकर स्तुति पाठ दे करके, तो ये अच्छा प्रयास हो सकता है। उचित ढंग से जो प्रयास हो सकता है वह आप करने का मन बनाएं। गुरुदेव, एक पल में ही स्थिति कैसे बदल जाती है? व्यक्ति सोच कर कुछ चलता है, हो कुछ जाता है। अजय शर्मा, देखो देखो यही तो सृष्टि का रूप है, यही तो ईश्वरीय लीला है, और यहीं से तो पता चलता है कि ये सृष्टि किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं। व्यक्ति कितना भी शक्ति संपन्न हो, बलवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, क्षमतावान हो, कितना भी आगे आज का विज्ञान हो, वैज्ञानिक, लेकिन यहाँ से पता चलता है कि ये सृष्टि किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं है। इस सृष्टि का संचालक कोई और है, और ये समय है कि जबकि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, और ये कस्माच्चतेना नमेरन महात्मन, कि उनके आगे हम नमन करें, प्रणाम करें, विनम्र हो जाएं, स्वीकार करें कि हे जगन निवास, सृष्टि में सब कुछ आप हो, सत आप हो, और सत्य सत्ता तो केवल परमात्मा की है ही है, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। संसार दिखने में असत है क्योंकि आने जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है, और उसी का ये स्वरूप है ना कि परिस्थितियाँ कैसे एकदम बदल जाती हैं। संसार असत है, और आप देखते हैं लगातार संसार में परिवर्तन है, लेकिन यहाँ अर्जुन कहते हैं कि असत भी आप हो, क्योंकि
सृष्टि के बनाने वाले आप हो। सृष्टि आपके बिना चल ही नहीं सकती, आप नहीं तो सृष्टि का या किसी प्राणी का क्या वजूद, क्या अस्तित्व। चेतना निकलती है तो शरीर की क्या स्थिति होती है, ये सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं। लेकिन यह अवसर है इस बात को समझ करके आगे व्यवहारिक रूप देने का कि सत भी वही है, असत सृष्टि है, लेकिन इस सृष्टि के रूप में भी इसको चलाने बनाने वाला और जिसमें ये सृष्टि समा जाती है वह भी वही परमात्मा है। और इससे परे वह स्थिति जो ध्यान के द्वारा प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। ध्यान में जब बैठते हैं और मन एकाग्र होता है, चित्तवृत्तियाँ शांत होती हैं, संकेत किया गया था किसी भी माध्यम से आप कुछ क्षण ध्यान करें, मेडिटेशन करें, बच्चों को भी बिठाएं, ऊर्जा बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। और ये जो समस्या है कि मन जल्दी घबराता है, नींद नहीं आती, आँख खुल जाती है, तो ये भी इसी कारण से है। जब ध्यान में मन लगेगा, एकाग्रता होगी, मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव कम होगा। और जब प्रभाव कम होगा तो निश्चित है कि ये वायरस का असर भी हमारे ऊपर नहीं होगा, नहीं हो, हम ऐसा प्रयास करें और इस ढंग की एक प्रेरणा जगाएं। और जब ध्यान में इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगी, तो निश्चित है कि एक नई ऊर्जा के साथ हम जीवन यात्रा को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये स्थिति सत असत तत्परम यत, उससे परे भी आप हैं। शहनशाह राम स्वामी राम तीर्थ हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, उनकी यदि आप दिव्यताएं देखें, पढ़ें कि ध्यान में क्या दिव्यता हो सकती है, कैसी स्थिति हो सकती है। ध्यान जब समाधि में प्रवेश करता है, मकाम पूछो तो ला मका था, न राम ही था न मैं वहाँ था, ये वो अवस्था है। सत असत तत्परम यत, सत असत और इससे भी परे, मुकाम पूछो तो ला मका था, न राम ही था न मैं वहाँ था। और सहजता में लिया जो करवट तो होश आई, के राम मुझ में मैं राम में हूँ, राम मुझ में मैं राम में हूँ। ये सारी सृष्टि परमात्मा में है और परमात्मा जगन निवास अर्थात जगत में निवास, सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। उनकी सत्ता को स्वीकारें, उनके महत्ता को स्वीकारें, उनके नाम का गुणगान करें, उनके दिव्यवाणी गीता जी का पाठ करें और कुछ क्षण उनका ध्यान करें, तो निसंदेह निश्चित आप स्वयं अनुभव करोगे कि आज के इस वातावरण में मानसिक शांति, मानसिक दृढ़ता, परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच और समूचे वातावरण में एक सात्विक प्रभाव दे करके हम सहयोगी हो सकते हैं कोरोना वायरस के इस प्रकोप, इस प्रभाव और इस वातावरण को एक शांत करने के लिए और कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को समाप्त परास्त करने के लिए। आओ मिलकर चलें, मिलकर आगे बढ़ें, सभी अपने मन जोड़ें, भाव जोड़ें गीता माता के साथ, गीता पाठ के साथ। सक्षम ग्रंथ है, सक्षम शास्त्र है। चलते चलते एक जिज्ञासा जी और आई है, इसको भी हम देख लेते हैं शीघ्रता से। महाराज श्री ग्रंथों में लिखा है, पृथ्वी पर जब भी बुरी आत्मा और राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं, गौरव वधावन।
कल भी संकेत किया था, निसंदेह भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन अभी हम उनके नाम अवतार के प्रभाव को बढ़ाएं। साक्षात अवतार वो उनकी इच्छा पे है, वो कब लेंगे, लेकिन अभी नाम भी उनका अवतार है, गीता उनका शब्द अवतार है। अभी हम इसका आश्रय लें, इसको आगे बढ़ाएं, तो प्रभाव निश्चित रूप से सात्विक बन सकता है। प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार घर घर में गीता पाठ, हवन, यज्ञ हो रहे हैं, कृपया यज्ञ की विधि करने के नियमों पर रोशनी डालें। गोपिका वालिया, देखो ये बहुत अच्छी बात है, और जियो गीता की ओर से तो ये आह्वान मकर संक्रांति पर ही पहले से कर दिया गया था कि इस समय जो वातावरण बन रहे हैं, तब ये कोरोना वायरस की कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन मकर संक्रांति पे आह्वान किया गया था कि घर घर में यज्ञ हो, वो बाहर के वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए और अपनी वृत्तियों को सात्विक शांत बनाने के लिए यज्ञ, और यज्ञ के रूप में विशेष आह्वान किया गया था कि गीता जी के यज्ञ भाव के भावित मंत्र श्लोक, और संभव हो तो सात्विक सा कॉपर का छोटा कुंड घर में, और संभव हो तो भारतीय नस्ल के गौवंश का गाय का गोबर उसकी समिधा, और संभव हो तो गाय का ही घृत, गौ घृत प्रयोग करके और शुद्ध सामग्री थोड़ी सी ले करके तो उससे यज्ञ करें, नियमित यज्ञ करें, प्रातःकाल करें, अच्छी बात है। मान लो किसी दिन ऐसा हो गया कि नहीं हो पाया, तो आप दिन में भी करेंगे तो उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं, बिल्कुल खुला यज्ञ है गीता जी का, संस्कृत में करें। वो श्लोक बहुत सरल हैं, आप अभ्यास करते रहें, ये स्तुति पाठ भी संस्कृत में अभ्यास करने का प्रयास करें, आप बिल्कुल कर पाएंगे, नहीं तो तब तक हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद का उच्चारण करते करते आप अपना भाव जोड़ें, क्योंकि भाव का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है, होता है। गुरुदेव, ध्यान एवं नाम का उच्चारण उच्च स्वर में करने से क्या यह परिस्थिति मिट सकती है? दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों आवश्यक हैं। उच्च स्वर में करना नाम कीर्तन के रूप में या गीता पाठ, तो शब्द का प्रभाव बताया गया है, पूरे वातावरण में विज्ञान भी मान रहा है कि पूरे वातावरण में शब्द का प्रभाव साथ ही साथ व्याप्त होता है, और जब आप ध्यान में होंगे, मेडिटेशन में होंगे, तो भी अंदर का मनोबल, इम्यूनिटी बढ़ेगी, मानसिकता दृढ़ होगी, और साथ ही साथ अंदर के उस भाव की रश्मियाँ भी वातावरण को लाभान्वित कर सकती हैं। ये पवन मिश्रा ने ये जिज्ञासा की है, और बस एक जिज्ञासा इस समय और है, एनके पंचाल। काम करते करते भी प्रवचन सुनना जा सकता है या केवल बैठकर ही सुनना चाहिए? देखो, अगर आप अपना, आपकी दृढ़ता इतनी है, एकाग्रता, कि कुछ आवश्यक काम करते करते आप अपना ध्यान साथ में जोड़ पा रहे हैं और समय ही कोई आवश्यक काम है, तो आप दोनों निभाएं। लेकिन अगर काम इधर उधर समय में हो सकता है, पहले आप करके या बाद में करके हो सकता है, तो आप अपने मन की एकाग्रता को पूरी तरह से सत्संग के साथ जोड़ें। और आपने किस पाठ के बारे में कहा है? ये यही पाठ जो गीता जी के 11वें अध्याय के, वैसे संपूर्ण गीता पाठ करते रहे, आनंद है, भगवान की दिव्य वाणी है, लेकिन इस समय के अनुसार स्तुति के रूप में भगवान कृष्ण का विराट रूप दर्शन करके 11वें अध्याय के 36 से 45 तक के जो श्लोक हैं गीता जी का, उसका विशेष रूप से आप इस वातावरण में पाठ करें। बस एक छोटी जिज्ञासा और है, नामदान के बाद क्या किसी दूसरे गुरु के सत्संग में जा सकते हैं? देखो,
सत्संग श्रवण में कोई बुराई नहीं है, सत्संग जहाँ से अनुकूल बात मिले। हाँ, जहाँ से मूल परंपराओं का कुछ खंडन मंडन हो, जहाँ मूल सनातन से अलग करने की बात हो, अपनी अपनी स्थिति अलग अलग, केवल अपनी मत विचारधारा और हमारी ऋषि परंपरा, हमारी अवतार परंपरा, हमारी मूल ग्रंथ परंपरा को कहीं ना कहीं तोड़ा मोड़ा जा रहा हो, वहाँ से सजग रहना चाहिए। वर्ण सत्संग महापुरुषों का श्रवण करने में लाभ ही लाभ है। तो पुनः ये संकेत करते हुए कि आप सब यहाँ फेसबुक लाइव के माध्यम से आपका भाव लगाव जुड़ाव सत्संग के साथ बना हुआ है, बना रहे, गीता पाठ आप करते रहें, मंत्र जाप आप करते रहें, नाम कीर्तन करते रहें और कुछ क्षण ध्यान में मन को लगाते रहें। हम यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इन दिनों गीता ज्ञान संस्थान में, जहाँ गीता जी की दिव्य वाणी का गुंजार हुआ, गीता ज्ञान संस्थान में खुले वातावरण में प्रभु से प्रार्थना भी चलती है, कुछ इस रूप में अनुष्ठान भी यहाँ के वातावरण की शांति के लिए और स्वयं का भी प्रभु की कृपा से यही वास चल रहा है। यहीं से ही आप सबके साथ ये संवाद भी हो पा रहा है। भगवान की कृपा को नमन, भगवान की दिव्य शक्ति को नमन और ये प्रार्थना कि प्रभु अपने इस विकराल रूप को समेटें और अपना शांत स्वरूप हे देवेश प्रसन्न हो जाइए, प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। ओम।